जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चीन की जनसंख्या कितनी है वर्तमान 2020 में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। साथ ही आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जीके से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहती है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है, शायद यह तो आपको पता ही होगा। पर चाइना की जनसंख्या कितनी है इसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है। जहां चीन जनसंख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बिगेस्ट कंट्री है, वहीं चीन का पड़ोसी देश भारत जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की जनसंख्या कितनी है इस विषय में हम डिटेल में बात करते हैं। भारत की जनसंख्या की गणना प्रत्येक 10 साल में की जाती है, अर्थात पिछली बार भारत की जनसंख्या की गणना सन 2011 में की गई थी। हम 2011 में चीन की जनसंख्या कितनी थी इसके बारे में बात करें तो तब इस देश की जनसंख्या 1,38,77,35,377 थी, जो कि वर्तमान में 141.43 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। चाइना की पॉपुलेशन विश्व की कुल पॉपुलेशन का 18.54% है, जो कि चाइना को वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बनाती है। चीन की जनसंख्या का घनत्व 151 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस देश की लगभग 83 करोड़ जनसंख्या अर्बन एरिया में रहती है। चाइना पॉपुलेशन एक अनुमान के अनुसार 2030 तक 144 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद इसकी जनसंख्या दर में वृद्धि होने के बजाय इसमें कमी आने लगेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना चीन की जनसंख्या 2020 में कितनी है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही जीके से जुड़ी हुई जानकारियाँ पढ़ने के लिए हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।